जिस विषय पर आज हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बहुमूल्य और प्रेशियस है, तो इसी सिलसिले में हम आपसे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं मिसेस शर्मा जो कि एसडी पब्लिक स्कूल से हैं, हमारे साथ हैं मिस गीतांजलि जो कि हंसराज मॉडल स्कूल से हैं। आपसे सबसे पहले मिसेस शर्मा, जब हम बात करते हैं टाइम की, अक्सर हम लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है या तो टाइम बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, और प्रॉब्लम हमारी इसी चीज से शुरू होती है। तो हम बच्चों को कैसे बताएं कि टाइम आखिर क्या है और उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जाए? टाइम लाइफ है और टाइम ये डिसाइड करता है आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वही ये डिसाइड करता है कि जीवन में आपकी सफलता जो है आपको किस हद तक मिलेगी। तो टाइम सब कुछ है और ऐसी धरोहर है जिसे अगर इंसान समझदारी के साथ में इस्तेमाल करता है तो और वेस्ट नहीं जाने देता है तो उसका वो ऑप्टिमम यूज़ कर सकता है। और अगर उसको वो वेस्ट करता है अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में, ऐसे चीज़ों में व्यर्थ गवाता है जिनकी उसको आवश्यकता नहीं है, तो वही टाइम जो है वो धन की तरह बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा कि टाइम से ज़्यादा वैल्यूएबल उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप दोनों स्कूल से जुड़े हैं, बच्चों से आपका काफी इंटरेक्शन होता है, तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है? गीतांजलि, मैं आपसे बिकॉज आप काउंसलिंग भी करती हैं, बच्चों की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती हैं, तो समय को लेकर उनको अक्सर क्या प्रॉब्लम आती है? बच्चों को अक्सर ये लगता है कि समय कम है और कार्य ज्यादा है, और उस थोड़े से समय में इतने सारे कार्य कैसे किए जाएं? ये बच्चों को मालूम नहीं होता कि जितने सारे काम वो करना चाह रहे उसमें से कितने ज़रूरी हैं, कितने बहुत ज़रूरी हैं और कितने गैर ज़रूरी हैं। ज़रूरत वहाँ पे ये होती है कि बच्चों को ऐसी गाइडेंस मिल जाए जिससे कि बच्चे पहले अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाए कि कौन से काम बहुत बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, फिर कुछ काम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और कुछ काम होते हैं जो हो सके तो ठीक है और नहीं हुए तो भी ठीक है, इस और इसके अकॉर्डिंगली फिर टाइम स्लॉट डाले जाए। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हम कहते हैं उसकी गाइडेंस, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज बच्चों को होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो फिर हताश हो जाते हैं। और हमारे जो ये ऑडियंस हैं, खासकर क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, और उन लोगों को है कि अभी 10वीं का बोर्ड दिया है, आगे 12वीं के बोर्ड की तैयारी करनी है, ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको बोर्ड की भी तैयारी करनी होती है, एंट्रेंस की भी तैयारी करनी होती है। आप इंटरेक्ट करती होंगी ऐसे स्टूडेंट्स से, तो क्या उनको उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम? अक्सर बच्चे दुविधा में होते हैं इस स्टेज के ऊपर क्योंकि करियर प्लान करने की स्टेज है ये उनके, और वो थोड़ा सा फिक्स में रहते हैं कि किस तरह अपने एग्जाम के लिए तैयार करें और किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करें। तो मुझे हम जनरली बच्चों को से जब भी बातचीत करते हैं उनको ये बताते हैं कि देखिए हर कॉम्पिटिशन का बेस वही सिलेबस है जो आप क्लासरूम में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी गीतांजलि जी ने भी कहा कि प्रायोरिटाइज करें, सबसे पहला मकसद आपका ये होना चाहिए कि आप अपना एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे, कैसे उसको अच्छे नंबरों से पास करेंगे और किस तरह से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करेंगे, क्योंकि बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो कॉम्पिटिशन्स में अच्छा सा कर नहीं पाएंगे। तो ये बात बच्चों को समझनी चाहिए कि किसी भी कॉम्पिटिशन में सफल होने के बाद भी जो पहली एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है 60% मार्क्स सीबीएसई एग्जाम में स्कोर करना, तो वो क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करें, उसके बाद नेक्स्ट लेवल की तरफ वो चले। तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स के लिए कि है क्या, आसान शब्दों में उनको समझ आ जाए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सुनने में तो लगता है ठीक है मैनेजिंग टाइम, पर ये किस तरह से किया जाए? अगर आपको पूरा दिन अपना मैनेज करना है, पूरे दिन का टाइम मैनेज करना है, तो किस तरह से करें? देखिए ऐसा है कि पूरे दिन को बच्चे अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं हमारी, जो नेचुरल नीड्स हैं कि खाना पीना सोना और जो नेचुरल कॉल्स हैं वो अटेंड करना। दूसरी कुछ हमारी सोशल नीड्स होती हैं, बींग ए सोशल एनिमल हर इंसान की कुछ ज़रूरत है, उसको सोशलाइजेशन का टाइम चाहिए, और कुछ टाइम जो है हमें अपने पर्पसफुल लाइफ को शेप अप करने के लिए चाहिए। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि तीन तरह का टाइम अवेलेबल होता है, एक बायोलॉजिकल टाइम, एक सोशल टाइम और एक बिजनेस टाइम। लेकिन बच्चों को ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों के बीच में बैलेंस कैसे बना करके रखें कि ना तो हमारी हेल्थ अफेक्ट हो, ना हमारा सोशल जो साइकी है वो अफेक्ट हो, और ना ही हमारा करियर किसी तरह से किसी भी उसमें जो है वो फिक्स में आए।
तो इन तीनों के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हर बच्चा अपने लिए, जैसा गीतांजलि जी ने भी कहा, कि प्रायोरिटाइज कर ले कि आज के दिन मुझे ये एक्टिविटीज़ ज़रूर टाइमली ख़त्म करनी है। और उसके लिए जो उनका मॉर्निंग टाइम है, जब मॉर्निंग में वो सो के उठते हैं, उसके बाद कम से कम 10 मिनट्स मैं समझती हूँ कि उनको अपने डे को प्लान करने के लिए रखने चाहिए, और सोच लेना चाहिए कि आज के दिन के लिए मेरा टारगेट ये रहेगा। और एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे आर गोइंग टू स्लीप, उस समय पे भी उनको एक इंट्रोस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि आज मैंने दिन भर में अपने लिए जो कार्य निर्धारित किए थे वो मैं कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, और अगर नहीं हो पाए हैं तो ऐसा कौन सा कारण रहा जिसकी वजह से नहीं हुआ, और नेक्स्ट टाइम उस कारण को दोबारा ऐसा मौका ना मिले कि फिर वो हैम्पर कर सके उनकी एक्टिविटीज़ में। तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स के लिए कि है क्या, आसान शब्दों में उनको समझ आ जाए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सुनने में तो लगता है ठीक है मैनेजिंग टाइम, पर ये किस तरह से किया जाए? अगर आपको पूरा दिन अपना मैनेज करना है, पूरे दिन का टाइम मैनेज करना है, तो किस तरह से करें? देखिए, ऐसा है कि पूरे दिन को बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं हमारी, जो नेचुरल नीड्स हैं कि खाना पीना सोना, और जो नेचुरल कॉल्स हैं वो अटेंड करना। दूसरी कुछ हमारी सोशल नीड्स होती हैं, बींग ए सोशल एनिमल हर इंसान की कुछ ज़रूरत है, उसको सोशलाइजेशन का टाइम चाहिए। और कुछ टाइम जो है हमें अपने पर्पसफुल लाइफ को शेप शेप अप करने के लिए चाहिए। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि तीन तरह का टाइम अवेलेबल होता है, एक बायोलॉजिकल टाइम, एक सोशल टाइम और एक बिजनेस टाइम। लेकिन बच्चों को ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों के बीच में बैलेंस कैसे बना करके रखें कि ना तो हमारी हेल्थ अफेक्ट हो, ना हमारा सोशल जो साइकी है वो अफेक्ट हो, और ना ही हमारा करियर किसी तरह से किसी किसी भी उसमें जो है वो फिक्स में आए। तो इन तीनों के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हर बच्चा अपने लिए, जैसा गीतांजलि जी ने भी कहा, कि प्रायोरिटाइज कर ले कि आज के दिन मुझे ये एक्टिविटीज़ ज़रूर टाइमली ख़त्म करनी है। व्हाई डू वी एग्जैक्टली नीड टाइम मैनेजमेंट, और उससे क्या उनको फायदा हो सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, शॉर्ट टर्म फायदा तो ये कि इमीडिएटली जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं बच्चे वो उसको अचीव कर पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। उसके लिए थोड़ा विल पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए, डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ हमें डेविएट करती हैं, या कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे कारण भी आ जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमारे शेड्यूल में नहीं थी। लेकिन उस समय पे भी घबराने या एंजाइटी की ज़रूरत नहीं होती। प्रॉपर कामली इंसान को सोचना चाहिए कि अभी मुझे ये काम करना है, लेकिन इसके लिए मैं बाद में समय इस समय पे निकालूंगा। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि आप अगर अपना काम समय से कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। हेल्थ जो है वो वेल्थ है, हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप सारे काम लास्ट मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो इतना स्ट्रेस और एंजाइटी उस समय फेस करते हैं, और ऐसे कई बार सिचुएशंस आ जाती हैं कि फिर एक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि मैं टाइमली कोई काम फिनिश कर सकता हूँ या नहीं, अच्छे से कोई काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये भी खत्म हो जाता है अगर हम टाइमली काम करने की आदत अपने आप को ना डालें तो। दूसरी बात, जो काम की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आप लास्ट मिनट पे सारे काम करेंगे तो कभी भी काम में वो क्वालिटी आएगी नहीं, और आप में पोटेंशियल होते हुए भी आपका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कुछ ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। आपने तो टाइम अपना प्लान कर लिया, एक स्टूडेंट है अगर वो तैयारी भी कर रहा है, अपने बोर्ड की भी कर रहा है, और अगर एंट्रेंस की भी कर रहा है, उसने अपना पूरा दिन प्लान करके रखा है, बट इनकेस कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, जो कि बहुत से होते हैं बच्चों की लाइफ में, तो किस तरह के अक्सर जो है डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो उनके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? हमारे बच्चे हमें जिस तरह के डिस्ट्रैक्शंस रिपोर्ट करते हैं और उनके पेरेंट्स भी रिपोर्ट करते हैं, नंबर 1 फ़ोन कॉल्स, इतनी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स वो अटेंड करते हैं आजकल के स्टूडेंट्स कि पेरेंट्स कभी कभी थोड़े पैनिकी हो जाते हैं कि घर में फ़ोन होना चाहिए या नहीं, दे ऑलवेज कम एंड आस्क अस। दूसरा, फिजूल में गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन कॉल करेंगे तो इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू आर टॉकिंग पर्पजफुली। आज एक और जो मीडिया इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ रहा है, इतने सारे कार्यक्रम हर समय 24 घंटे बच्चों को अवेलेबल रहते हैं,
और वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि मुझे कौन सा प्रोग्राम देखना है। आज की जो जनरेशन है वो माउस क्लिक जनरेशन भी है, इंटरनेट भी उनको अवेलेबल है, इंटरनेट पे ढेर इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब वो इंटरनेट सर्फिंग करना शुरू करते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है। एक तो उसकी वजह से भी टाइम वेस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी काम की इन्फॉर्मेशन निकालते निकालते कुछ और साइट्स पर पहुंच जाते हैं जहां और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। कहीं उनको कोई गेम्स मिल गई, कहीं और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई दैट दे कीप ऑन स्पेंडिंग द टाइम देयर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको अक्सर परेशान करती हैं और इसकी वजह से फिर रात में देर से सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। ये एक जैसे जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, जो मीडिया मैसेजेस हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनके घर में टेलीविजन भी है, रेडियो भी है, इंटरनेट भी है, तो वो उसमें से क्या सिलेक्ट करें, किस तरह के प्रोग्राम सिलेक्ट करें कि भाई उनको लगे कि हाँ हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उससे सफर नहीं हो रहा, तो वो आप कैसे उनको बोलेंगे कि प्रायोरिटाइज करें कि किस तरह के कार्यक्रम देखें और कितने देखें और कब देखें? एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। आजकल आज का जो वर्ड है वहाँ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोड कर रही है चारों तरफ से, तो उस समय पे उनको ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी जरूर वॉच करने चाहिए जहाँ से उनको जनरल अवेयरनेस क्रिएट हो सके या कुछ उनके इंटरेस्ट का। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट अगर मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन जहाँ मिल रही है उस तरह के प्रोग्राम्स में होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर कुछ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड कुछ दिखाया जा रहा है तो उसमें इंटरेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल सब कुछ है लेकिन उनको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करूं कि मुझे इतना देखना है। दूसरा सजेशन मेरा एक पेरेंट्स के लिए भी है कि जब बच्चे टीवी देखते हैं तो थोड़ी देर उनके साथ बैठ के टीवी जरूर देखें। उसका दो कारण है। एक तो ये कि बच्चे को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरे पेरेंट मेरी एक्टिविटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अगर वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं पेरेंट्स तो बच्चा सेटिस्फाइड फील करता है अपने आप को। और फिर उसको बहुत ज़्यादा देर तक मैंने ऐसा महसूस किया है कि मीडिया में उलझे रहने की ज़रूरत नहीं लगती है। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स को ये पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरह के प्रोग्राम वॉच कर रहा है। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम वो देख रहा है जो आप नहीं चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग या क्रिटिसाइजिंग द चाइल्ड जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम, वॉट इज गुड अबाउट दैट, वॉट इज बैड अबाउट दैट, वॉट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ही इज गेटिंग, बट देर शुड बी जनरल टॉक अबाउट दैट। तो बहुत बार बच्चे खुद से बातचीत में ये बात समझ लेते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। गीतांजलि, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से बच्चे अपना टाइम अच्छे से प्लान नहीं कर पाते? कुछ तो बच्चों को गाइडेंस भी नहीं मिलती है इस चीज़ के बारे में कि टाइम प्लानिंग होती कैसे है, करनी कैसे चाहिए, क्या उसमें टाइम आपके रॉबर्स होते हैं, कहाँ पर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बड़ों को नहीं मालूम होता तो बच्चों तक तो ये गाइडेंस पहुँचनी बड़ी मुश्किल है। दूसरे, बच्चों का मन चंचल होता है, बहुत जल्दी वो एक चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी चीज़ में, दूसरी से तीसरी चीज़। अभी जैसे अब मीडिया की बात करें, बच्चा एक टेलीविजन प्रोग्राम पर्टिकुलर या इंटरनेट की एक पर्टिकुलर साइट किस लिए देख रहा है, उससे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज ज्ञान में उसकी वाधा हो रहा है वो चीज़ है, या बच्चा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए देख रहा है, एंजॉयमेंट के लिए देख रहा है, इज इट अ प्लेजर एक्टिविटी और अ लेजर एक्टिविटी। कई बार क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा टाइम स्लॉट रिलैक्सेशन का रखते हैं, लेकिन उसको जब वो टेलीविजन के किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम या इंटरनेट की किसी साइट के द्वारा व्यतीत करते हैं तो वो टाइम रॉबर बन जाती है वो एक्टिविटी, वो सिर्फ एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी नहीं रहती। इसलिए बच्चों से ये यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि ऑनेस्टली अपने आप को देखिए। एक वो कहते हैं ना, एक आत्मबोध करना बहुत जरूरी है, एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि मेरे लिए क्या चीज लाभदायक है और मेरे लिए क्या चीज हानिकारक है। एक पर्टिकुलर टेलीविजन प्रोग्राम मैं देखता हूं, आधा घंटा देखने के बाद वो 45 मिनट मेरे दिमाग में मेरे साथ रहता है, जब मैं किताब खोलता हूं तो भी मैं वो गाने या वो डांस या वो सीरियल याद रख रहा हूं, उसके डायलॉग। तो मतलब ये प्रोग्राम मेरे लिए हानिकारक है, मुझे इससे प्लेजर नहीं मिल रहा है। ये इस तरह का आत्मबोध होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है बच्चों के। और अगर टाइम मैनेजमेंट ना हो, उसके क्या साइड इफेक्ट? एक तो हमें पता चल ही जाता है कि जो बच्चे का परफॉर्मेंस है पूरे साल में, मार्क्स अच्छे नहीं आते कम हैं, हो जाता है। उसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स बड़े जो फेस इमोशनल करते हैं? सेटबैक्स बच्चों को मिलते हैं, बच्चों का आत्मविश्वास जो है वो भी खो जाता है कि बच्चों को ये लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। बार बार घर में एक नैगिंग होती है, माता पिता जो है वो भी किसी न किसी बात के लिए रोक टोक नोक झोंक चलती रहती है। स्कूल में टीचर्स भी वो वाली प्राथमिकता नहीं दे पाते उस बच्चे को, क्योंकि उसका
परफॉर्मेंस वैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में बच्चा अपने आप से दूर होने लग जाता है, उसका अपना आत्मविश्वास खत्म हो गया, उसको ये फीलिंग ही नहीं आती कि आई कैन डू इट, तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत पीछे चला जाता है, नेचुरली प्रोडक्टिविटी की फीलिंग कम हो जाती है। तो एक एक जो हमारी एक मानसिक स्थिति है जिसमें एक हैप्पीनेस का एहसास है कि एक फुलफिलमेंट का एहसास है, बच्चा वो एहसास थोड़े से मिस आउट करने लग जाता है और कई बार बच्चे इतनी हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि मैं एक कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं हूं, मुझ में बहुत कमियां हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, आगे कुछ नहीं मेरा बनेगा, तो इस तरीके की हीन भावना बहुत ही हानिकारक हो जाती है बच्चों के लिए। तो अगर हम जैसे टाइम प्लान की बात करें तो एक आइडियल टाइम प्लान क्या होना चाहिए? वैसे तो हर बच्चे की अपनी जरूरत है, पर फिर भी अगर एज अ काउंसलर और एज एन एक्सपर्ट आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम प्लान, उसमें क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पर ना मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट का मकसद ये नहीं है कि आप बहुत सारा काम कर सकते हैं एक लिमिटेड स्पैन में, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज अ बैलेंस जिसमें आप अपने जरूरी काम और अपने टाइम को मैचअप करते हैं, क्योंकि कई बार हम पूरे दिन में ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं जो बहुत गैर जरूरी हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बच्चे के लिए वो ये होगी कि जानना मेरे लिए क्या जरूरी है करना और फिर मेरे पास कितना वक्त है और मैं कैसे उस नपे तुले वक्त में अपने जरूरी काम खत्म करता हूं। और इसीलिए बच्चे को कहते हैं ना अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने बहुत जरूरी है कि मेरी डेली एक्टिविटी क्या होंगी, मुझे आज के दिन में ये 5 कार्य संपन्न करने हैं, मुझे एक हफ्ते के अंदर ये काम खत्म कर लेना है और ये कुछ एक्टिविटीज हैं मैं 1 महीने के अंदर कर सकता हूं या 15 दिन के अंदर कर सकता हूं। अगर बच्चा ऐसे स्पैन आउट कर लेता है अपनी एक्टिविटीज को, अपने काम को ऐसे कैटेगराइज कर लेता है, दैट इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कि बच्चे का एक लॉन्ग टर्म गोल है कि जनवरी में मेरे एग्जाम होने हैं, मुझे जनवरी के एग्जाम की तैयारी करनी है, ये मेरी डेट शीट है, इसके अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूंगा। और अगर बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी ध्यान कर रहे हैं तो मैं वहां पे भी कहूंगी कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं बच्चों और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उनका ध्यान रखिए। कई बार हम शॉर्ट टर्म गोल्स अपने अचीव करते रहे डेली गोल्स, तो हमारे जो मंथली गोल या वीकली गोल होते हैं उनके लिए हमें कोई ज्यादा कार्य करना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा, वी डोंट हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल, वो अपने आप प्रोग्रेशन में आते चले जाते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंसिंग है आपके कामों का, आपके वक्त का, लेकिन काम जो आपने प्रायोरिटाइज कर लिए कि ये बहुत जरूरी है, गैर जरूरी कामों को पहले अपनी लिस्ट में से निकाल दिए। टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो? बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम दो काम एक टाइम पे कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर हमने प्लान करके कोई काम किया है तो बहुत से काम एक ही बार में हो जाते हैं, तो क्या आप टिप्स देते हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो 11th 12th के हैं, किस तरह वो मैनेज करें? हम स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहते हैं कि आप पहले ये देखिए कि अभी इस समय आपकी पहली ज़रूरत क्या है। आप अभी फोकस कर रहे हैं अपने क्लास टेस्ट के ऊपर, अपने यूनिट टेस्ट के ऊपर, आप एक यूनिट को समझने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस यूनिट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करने के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो जो आपका इमीडिएट गोल है पहले आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपसे हमेशा सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आपसे सीधे ये नहीं पूछेगा कि आपने IIT क्लियर कर लिया या आपने मेडिकल एग्जाम क्लियर कर लिया, सबसे पहले आपसे आपका क्लास का रिजल्ट पूछा जाएगा। तो अगर आप वो सब कुछ छोड़ के सीधे जंपिंग सिचुएशन में जाना चाहते हैं कि ओके मैं अपना सिलेबस छोड़ करके और सीधे IIT की प्रिपरेशन कर दूं, तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल वैसा ही टाइम के साथ भी है कि अगर आपके पास जो वक्त आज है उसको आप आज के गोल्स को फुलफिल करने के लिए पूरा नहीं करेंगे तो सडनली आप अचानक सोचेंगे कि आपके जीवन में अचानक कोई चेंज आ जाएगा या कोई आप अचानक सक्सेस ग्रहण कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सक्सेस ग्रेजुअल प्रोसेस है और टाइम को उसके लिए ग्रेजुअली प्लान करना या बैलेंस करना जरूरी है। तो टिप्स हम उनको इसीलिए देते हैं कि मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम कम से कम एक इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें कि क्या मेरे गोल्स हैं आज के लिए, आज की मेरी एक्टिविटीज क्या होंगी। अगर मुझे ये टारगेट मैंने रखा है कि मुझे ये यूनिट फिनिश करना है, तो इस यूनिट की को फिनिश करने के बाद क्विक रिवीजन के लिए मुझे कैसे कौन से टिप्स नोट करने हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, क्या स्मॉल नोट्स हैं, वो उस तरह की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो उसके लिए डायरी मेंटेन करके रखें, और व्हेनेवर दे गो थ्रू दोज डायरीज दे आर एबल टू फाइंड आउट वेयर द लैप्सेस आर एंड देन दे आर एबल टू मैनेज द टाइम इन ए बेटर मैनर। इन बच्चों को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है,
अपने प्लान में जो आप टाइम प्लान बनाते हैं उसमें उनको बाकी सब चीज़ों को भी इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके लिए मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को पता रहे अगर कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मुझे क्या क्या मेरा करियर रहेगा, क्या मेरा प्रोफेशन रहेगा, मतलब वो अपने लाइफ स्पैन को थोड़ा सा विजुलाइज अगर करता है तो अगर वो अपने आप को एक सक्सेसफुल इंजीनियर मानता है तो सक्सेसफुल इंजीनियर क्या सिर्फ एक ब्रिज बनाता है, वो ब्रिज बनाने के साथ एक ब्रिज के बनाने के लिए जो टीम है उसके साथ भी काम करता है तभी वो ब्रिज बनता है। तो मतलब उसकी टीम स्किल्स होनी चाहिए, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, प्लानिंग स्किल्स हैं। अगर वो अपना करियर स्पैन ऐसे विजुलाइज कर लेता है बच्चा तो ही विल रियलाइज मुझे और बहुत सी ऐसी स्किल्स की जरूरत है और वो स्किल्स कब आएंगे जब मैं उनको प्रैक्टिस करूंगा अपनी डे टू डे लाइफ में। इसके लिए कुछ मैं मानती हूं कि माता पिता और अभिभावक और अध्यापक गण भी अगर बच्चों को बाकी चीजों की इंपॉर्टेंस दें, फिजिकल हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है, बच्चा अगर सारा दिन यूं बैठ के पढ़ा रहेगा, किताबें पढ़ता रहेगा तो गर्दन का दर्द है, पाचन शक्ति खराब हो जाती है और कितनी उलझने बच्चों को आती हैं। अगर बच्चा जब वो चीजों की कंप्लेंट कर रहा है, माता पिता अगर वहां पर बच्चे को कह सके कि देखो अगर तुम 15 मिनट उठ के सैर कराते हो, थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हो, थोड़ी सी साइकिलिंग कर लेते हो, मतलब कुछ ऐसी लाइट प्लेफुल एक्सरसाइजेस भी बहुत जरूरी है, दे आर पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि तुम अगर 15 मिनट वहां लगा के आते हो तो आप अपना आधा घंटा जो घंटा तुमने पढ़ाई का सोचा वो आराम से पढ़ सकते हो। अगर ये 15 मिनट नहीं लगाते तो तुमने 1.5 घंटा पढ़ने के लिए रखा था उसमें वो स्लॉटेड एक्टिविटी खत्म नहीं होगी। तो टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आप मल्टीफेरियस एक्टिविटीज जो सारी आपके लिए लाभदायक है आप उनके लिए प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टाइम रखें, एक सिंगल ट्रैक ओरिएंटेशन ना रखें। ये जानकर समझना बहुत जरूरी है। यहां पर माता पिता से भी मेरी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनाइए। बच्चे सिर्फ एक काम नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ भी बनाना चाहते हैं उसको बनाने के लिए उनको बहुत सी और चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सी और एक्टिविटीज जुड़ेंगी। और अगर हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल रहें, और सक्सेसफुल का मतलब भी ये है कि वो खुश रहें अपने काम में, खुश रहने के लिए उनको ये खुश रहने की कला सीखनी होगी और उस कला का सबसे बड़ा जो मैं कहूंगी योगदान है वो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से आता है। और बच्चों के लिए ये भी बात करनी जरूरी है कि मैं पहले अपने पूरे दिनचर्या को प्लान कर लूं। प्लानिंग, हम कहते हैं बड़े बड़े लोग प्लानिंग करेंगे बड़ी बड़ी एक्टिविटीज की, तो पहले एक बच्चा अगर अपना दिनचर्या प्लान कर लेता है तो सबसे पहला प्लानिंग का पार्ट वो सीख जाता है। जब आपने डायरी में अपनी 15 एक्टिविटीज लिख ली तो फिर उस 15 एक्टिविटीज में देखिए कि मेरी सबसे पहले कौन सी वाली है, फिर उसमें प्रायोरिटाइज कीजिए कि अब 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये, और उनको एक टाइम स्लॉट एलोकेट कीजिए। तभी कहते हैं कि बच्चे रियलिस्टिकली सोचें कि जो मैं टाइम स्लॉट दे रहा हूं वो कितना रियलिस्टिक है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। अक्सर माता पिता और बच्चे कंपैरिजन कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट में भी कि तुम्हारा भाई सुबह उठ के पढ़ लेता था, वो 4-4 घंटे बैठा रहता था, तुम तो आधे घंटे में उठ जाते हो, तो बच्चे फिर वो जितनी टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं वो छूट जाती है उनकी। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई। और एक जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात है जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं और खास तौर से जब बच्चे बोलते हैं कि ठीक है हमने इतना टाइम प्लान कर लिया ये हमारी पूरे दिन की दिनचर्या रहेगी, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कितना स्कोप है, कितना वो चेंज कर सकते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि वो टाइम प्लान पेरेंट्स के सामने भी होता है, टीचर्स के सामने भी होता है, एंड ही हैज़ हिज ओन रिजर्वेशंस कि अब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। तो इज इट ओके टू बी फ्लेक्सिबल विद योर टाइम? डेफिनेटली, मतलब मैं तो बच्चों को यही गाइड करती हूँ कि जब आप अपना दिनचर्या प्लान कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी ही एक फ्री टाइम डाल दीजिए। 45 मिनट से लेके 1 घंटा भर का टाइम है फ्री टाइम जो आपकी स्पिल ओवर एक्टिविटीज में आएगा। मान लीजिए आपने जो दोपहर का स्लॉट रखा था, आप दोपहर को आधा घंटा सोना था, आप 1 घंटा सो गए तो आपका पढ़ने का टाइम कम हो गया, आपके घर में लाइट चली गई, आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा तो आप नहीं पढ़ पाए हैं। तो मतलब वो जो ऐसी सर्कमस्टांसेस अनफोर्सीन एक्टिविटीज हो जाती हैं जिनकी वजह से आपका प्लान गड़बड़ा जाता है, तो उसके लिए अगर हम एक बफर टाइम रख लेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेन नहीं आता, बच्चे एक जोर नहीं महसूस करते, एक भार नहीं महसूस करते कि समय कम है और उठाना बहुत कुछ है। और उसका एक और फायदा भी है कि अगर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अपना शेड्यूल फॉलो कर पाते हैं वो, तो लाइफ में कितनी जगह पे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कितनी बार हमें सिचुएशंस को अडेप्ट करना पड़ता है, तो उस केस में वो अगर बच्चे को आदत होगी शुरू से इस बात की कि मुझे किसी भी सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए,
तो वहां पर ये आदत जो है वो मदद करेगी. लेकिन अगर वो बिल्कुल एक रिजिड माइंडसेट के साथ में काम करेगा, नो 3 to 4 इसके लिए था, 4 to 5 इसके लिए था, अब ये 4 to 5 का टाइम निकल गया, अब ये काम के लिए मेरे पास टाइम है ही नहीं, या एक इस तरह का फीलिंग आ गई कि अच्छा आज कुछ दिनचर्या में से कुछ अधूरा रह गया, वो एक अधूरेपन वाली फीलिंग अगर आ गई, तो वो बच्चा जैसे ये बोल भी रहे थे कि खुश कभी नहीं रहेगा, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, और फिर आगे की एक्टिविटीज उसकी जरूर उसके ऊपर इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा. गीतांजलि, जस्ट 5 पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए कि इफ टुडे दे डिसाइड दैट यस दे हैव टू मैनेज देयर टाइम एंड दे नीड टू हैव अ टाइम प्लान, सो व्हाट 5 पॉइंट्स वुड यू गिव देम? नंबर वन, कि जो भी आपने टाइम में काम करना है, पहले लिस्ट डाउन ऑल योर एक्टिविटीज, जो भी काम करना है वो एक कागज पे लिख लीजिए. जब आपने कागज पे अपने सारी एक्टिविटीज लिख ली हैं, नंबर टू आ जाता है, उनको प्रायोरिटाइज कर लीजिए. उनके ऊपर नंबर वन नंबर टू अब कितनी जरूरी है, वो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए. जब आपने ये कर लिया, अब प्लानिंग करिए कि ये वाली इंपॉर्टेंट सबसे, इसको मुझे कितना टाइम देना है, एलोकेशन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू दी एक्टिविटी. तीसरी चीज, चौथी चीज, एक फ्लेक्सिबल एक बफर टाइम रखिए जहां पर आप उन चीजों को कभी जो नहीं हो पाती हैं वो करेंगे. पांचवी और आखिरी चीज मेरी तरफ से ये रहेगी कि आपके टाइम रॉबर्स कहाँ हैं, आप टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, इसका ज्ञान बहुत जरूरी है. ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मैं टेलीफोन जब आता है बात जल्दी खत्म नहीं कर पाता, मैं जब 15 मिनट के लिए उठता हूँ तो मैं अटक जाता हूँ, 45 मिनट तक वापस नहीं आता, मैं टेलीविजन की आवाज सुनते ही बाहर भाग जाता हूँ, फोन की आवाज बजती है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता. मतलब अपने टाइम रॉबर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और अक्सर ना कहना सीखिए, माता पिता को नहीं, दोस्तों को, जो आपका टाइम रॉब कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच गीतांजलि एंड थैंक यू मिस्टर शर्मा. आज हमने बात की टाइम मैनेजमेंट की, और हमें उम्मीद है कि अब आगे से आप अपना टाइम प्लान बना के रखेंगे, और हमें बिल्कुल यकीन है कि अगर आपके पास एक टाइम प्लान होगा और आप अपना टाइम मैनेज करके रखेंगे तो आपको उसका फायदा भी बहुत होगा.